नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दीपाली जावेरी चर्चा में है, इंडियन रेजिडेंट है जापान में, और मिस्टर ओटा जो है इन दोनों को सम्मानित किया जाता है जोटो फायर स्टेशन के द्वारा, ठीक है। और प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल इनको शुभकामना देते हैं। आप देखिए क्या होता है, रिसेंटली वहां पे एक डांडिया का प्रोग्राम होता है। डांडिया रास जो है ट्रेडिशनल डांस है गुजरात का, जापान में ये प्रोग्राम होता है और वहां पे कुछ लोगों की कंडीशन खराब हो जाती है, हेल्थ कंडीशन, और ये उनकी जान बचाते हैं। तो बिल्कुल इनको इसी वजह से सम्मानित किया जाता है और प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं। दूसरा हम बात करें यहां पे एफडीआई जो है स्पेस सेक्टर में वो अलाउड है अप टू 100% इन द एरिया ऑफ सैटेलाइट एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन थ्रू गवर्नमेंट रूट ओनली, ठीक है। दूसरा देखिए इंडिया जो है वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट रिजर्व है रेयर एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या कुछ होते हैं पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया। और देखिए हमारा जो है मार्च मंथ का कंप्लीट जो है करंट अफेयर किसी भी महीने का, वैसे अगर हम बात करें 5 से 7 पेज में होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट्स, ठीक है गाइज। दूसरा हम यहां पे बात करेंगे देखिए पार्लियामेंट सेशन जो है बजट सेशन वाला एडजमेंट साइन डाई, तो इसका मतलब क्या होता है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका मतलब होता है डिसमिसिंग करना ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए, और ये किसके पास अथॉरिटी होती है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ये करता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए, लक्ष्मीकांत से कवर कर लेना, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे आरबीआई गवर्नर साहब वो बताते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या कुछ करती है, तो पता होना चाहिए कि रेपो रेट कितना रखा गया अगर आप बैंकिंग एग्जाम की स्पेशली तैयारी करते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना क्या रखा गया है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट कितना है, ठीक है। दूसरा देखिए गवर्नर साहब ये भी बताते हैं कि इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो प्रोजेक्टेड है 2023-24 की अगर हम बात करें 6.5%, और जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो प्रोजेक्टेड है मॉडरेट 2, ठीक है, कितना 5.2%, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम यहां पे गाइस बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को बिल्कुल मनाया जाता है और राइट टू हेल्थ इन राजस्थान देखिए काफी चर्चा में है। तो राजस्थान इमर्ज हुआ है एज ए मॉडल स्टेट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ बाय स्ट्रेंथनिंग मेडिकल फैसिलिटी अप टू विलेजेस हैमलेट, मतलब प्रोवाइडिंग उनको फ्री ट्रीटमेंट अप 25 लाख रुपए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, फ्री मेडिसिन एंड टेस्ट स्कीम ये है, क्या नाम है उसका, निरोगी राजस्थान अभियान, ये भी पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के बारे में जिसमें ऑल ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड करे जाते हैं। और अगर हम बात करें राइट टू हेल्थ के बारे में तो कौन सा क्या आर्टिकल आता है, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 21 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गाइज। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे देखिए 3rd एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा, कल लास्ट हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। तो अभी क्या है रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज पुलिस फोर्स के ऊपर इनका डाटा आया है, तो उसमें बताया गया है और उसमें कि भाई इंडिया जस्टिस जो रिपोर्ट है अबाउट द गैप बिटवीन द सैंक्शंड एंड एक्चुअल स्ट्रेंथ इन पुलिस फोर्सेज नेशनल लेवल पे कितना क्या है, है ना। तो उन सब चीजों के बारे में यहां पे बात की गई है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई ये जो है ये अभी हमें 24 साल और लग जाएंगे 33% वुमेन इन पुलिस फोर्सेज अक्रॉस स्टेट होने में, ठीक है, अभी इतना जिस हिसाब से हम लोग चले हुए हैं। और कर्नाटका जो है ओनली स्टेट है टू मीट जो ये कोटा है एससी एसटी और ओबीसी का कोटा, है ना, उसको पूरा करने वाला कर्नाटका है, ये भी पता होना चाहिए, ओनली स्टेट है। उसके बाद में तेलंगाना टॉप रैंक अमंग स्टेट्स विद पॉपुलेशन ओवर 10 मिलियन वाइल वेस्ट बंगाल लास्ट में है, तो ये थोड़ा सा डाटा भी बस आपको पता होना चाहिए। दूसरा इस रिपोर्ट को कौन क्या पब्लिश करता है, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव होता है नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे।